आखिरी में हमें पता ही था ये होगा, वो लड़का किसी और तरफ जा रहा है, वो उसका एक पैराडाइम शिफ्ट था जो आ चुका हुआ था, जिसकी वजह से वो इससे आंख नहीं मिला रहा था, क्योंकि वो एक्सप्लेन करना था। इवेंचुअली व्हेन ही न्यू दैट शी वाज गोइंग, तो उसने हिम्मत की, वेरी स्ट्रेस्ड, उससे पीछे के 4 एपिसोड इस स्ट्रेच की नज़र हुए जो कि बुरा था, बोरिंग थे, ड्रैग थे, क्वेश्चनेबल थे, अनएक्सप्लेन्ड थे, मतलब वो सारी जगह थी जो नहीं होनी चाहिए थी। टूवर्ड्स द एंड ऊपर जाना चाहिए था ना, नीचे गया।